खुदाए कदूस के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में एक बार फिर आपको सलाम। और मेरा नाम एस्टर हारून है, मैं कैलिफोर्निया से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जब हम यहाँ पे मूव हुए तो एक स्लोगन, एक स्टेटमेंट मुझे जो जगह जगह ऑफिसेज में और जगह जगह हॉस्पिटल्स में मुझे नजर आया, रियली वॉन्ट टू शेयर विद यू। वो स्लोगन कुछ इस तरह से है, जो भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी नजर आएगा, इफ यू सी समथिंग से समथिंग। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर आप कुछ होता हुआ देखते हैं तो जरूर बात कीजिए उसके बारे में। जबकि हमें अपने माशरे का, मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि हमें ये कूट कूट के हमारे जहनों में डाला जाता है कि अगर आप कुछ देखते हैं होता हुआ तो खामोश रहिए उसके बारे में, बताने की जरूरत नहीं है, सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। सो वो ये मेंटालिटी हमारे अंदर मौजूद है अभी भी कि अगर आप कुछ बुरा भी होता हुआ देखते हैं अपने इर्द गिर्द तो खामोश रहिए, ना बताइए दूसरों को। लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इस तरह से बुरी चीजों को होता हुआ देखना और कुछ ना कहना उनके बारे में मुआशरे में और ज्यादा बुराइयों को जन्म देता है। इसीलिए इफ यू सी समथिंग से समथिंग वेरी बोल्डली, विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी हेजिटेशन। और सबसे ज्यादा इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल हमें कहाँ पे करने की जरूरत है वो मैं आज आपके सामने बताना चाहती हूँ। जैसे कि हम देखते हैं कि शादी खूबसूरत रिश्ता है, एक ऐसा खूबसूरत बंधन है जो हर मुआशरे की जरूरत है, हर मुआशरे में होता है। और खुदा का पाक कलाम भी हमें ये सिखाता है कि ब्याह करना इज्जत की बात समझी जाए। सो हम ये देखते हैं बेटे के लिए बेटी के लिए रिश्ता तय करने के लिए जाता है या ढूंढता है रिश्ता, तो कोई उनको, ज्यादातर 99% लोग उनको हकीकत से आगाह नहीं करते हैं। बाज़ुकात दूसरे जो पड़ोसी हैं या दूसरे लोग जो उस बंधन के बंधते वक्त वहां पे मौजूद हैं, रिश्ता तय होते वक्त वहां पे मौजूद हैं, वो कई हकायक से वाकिफ हैं लेकिन वो नहीं बताते हैं, अपना मुंह वो हमेशा बंद रखते हैं। और शादी के बाद पता चलता है ये राज, शादी के बाद जाके अयां होता है कि लड़का पहले से ही शादीशुदा था, तलाक याफ्ता है, उसके पहले से बच्चे हैं या और कई तरह के मसाइल बाद में जाके खुलते हैं। सो मैं ये जरूर मशवरा दूंगी, हमारे मुआशरे में जो ये एक ऐसी बात है कि अगर आप कुछ देखते हैं, आपको मालूम है किसी चीज के बारे में, आपको पता है किसी चीज के बारे में, तो जरूर आगाह कर दीजिए। आगाह करने के बाद अगर कोई फिर भी उस रिश्ते को करना चाहता है तो वो उनकी मर्जी है, लेकिन आप एक बार उनको जरूर आगाह कर दें ताकि वो सच्चाई से वाकिफ हो जाएं, सच्चाई को जान लें। और बहुत से घर, बहुत सी बेटियों की जिंदगी जो बाद में जाके पता चलता है कि वो सारी जिंदगी रोते हैं, पछताते हैं, क्योंकि उनको किसी ने उस हकीकत से वाकफियत नहीं दिलाई होती। सो मेरे अजीज भाइयों, मेरे अजीज बहनों, आज मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि प्लीज अगर आप किसी सच्चाई से वाकिफ हैं, अगर आप किसी हकीकत से वाकिफ हैं, तो जरूर उस हकीकत से दूसरों को भी मुतारफ करवाइए, जरूर उनको बताइए, लेकिन प्यार से, नरमी से, लड़ाई वाले स्टैंड के साथ नहीं या बुरे तरीके से नहीं, और ना ही बदगुमानी पैदा करने के लिए, ना ही उस होते हुए रिश्ते को तोड़ने के लिए, लेकिन सच्चाई जरूर एक दफा आगाह कर दीजिए। सो मैं जरूर इस स्टेटमेंट को आपके साथ बांटना चाहती थी, जो कि कई दिनों से मेरे दिल में थी, मेरे जहन में थी, एंड आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर द राइट टाइम। मैं खुद एक 21 साल बेटे की माँ हूं और मैं जानती हूं कि बहुत जल्द मुझे उसके लिए भी लड़की को ढूंढना होगा। मैं यकीनन ये तवक्को करूंगी कि मुझे जरूर बताया जाए, सच्चाई से आगाह किया जाए और कोई चीज मुझसे छुपाई ना जाए। सो मैं अभी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर कल को मैं कहीं रिश्ते के लिए जाती हूँ अपने बेटे के लिए, तो प्लीज अगर कोई भी किसी भी तरह से किसी भी सच्चाई से वाकिफ हो तो मुझे जरूर उसके बारे में बताइएगा। आगे मेरी मर्जी है कि उन सच्चाइयों को जानने के बाद भी मैं उस जगह पे अपने बेटे का रिश्ता करती हूँ या नहीं करती हूँ, ये एक फर्क कहानी है। लेकिन मेरा स्टैंड और मेरा पॉइंट आज के लिए ये है कि हर माँ बाप का ये राइट है, हर खानदान का ये राइट है कि उनको ये बताया जाए कि जिस जगह पे आप अपने बेटे की शादी कर रहे हैं,
जिस जगह पे आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, असल में कहानी क्या है, उनकी असल में उनका किरदार, उनकी जिंदगी, उनका माहौल, उनका खानदान कैसा है। तो बहुत से रिश्ते टूटने से बच सकते हैं, बहुत से खानदान टूटने से बच सकते हैं, बहुत से बच्चों की जिंदगियां खराब होने से बच सकती हैं, और हम उन जिंदगियों को खराब होने से बचा सकते हैं। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद की सलामती, खुदावंद की बरकत आपके साथ हो, और खुदावंद का करम हर एक शख्स की जिंदगी में काम करे। आप अगर अपने बेटे की शादी, अपनी बेटी की शादी करने वाले हैं, तो जरूर खुदा की हजूरी में झुकिए, खुदा की हजूरी में ठहरिए, खुदा के हजूर, और दुआ कीजिए खुदा से कि खुदा उस घर तक आपकी रहनुमाई करे जो खुदा ने आपके बच्चों के लिए रखा है। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद की बरकत, खुदावंद की सलामती हर एक के साथ हो, और खुदा हर एक खानदान के बच्चों की जिंदगियों को महफूज रखे, और हमेशा खुदावंद की बरकत कसरत के साथ आपके बच्चों की जिंदगियों में काम करे। मे गॉड ब्लेस यू।